शहर में चुनावी माहौल के साथ त्योहारी पर्व को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने शहर के विभिन्न समितियों और डीजे व्यवसाय से जुड़े लोगों की दुर्ग सीएसपी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता से संबंधित जानकारियां दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन की जानकारी देने दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में शहर के सभी थानों के प्रभारियों सहित शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों ने पहुंचे समिति के पदाधिकारियों को जरूरी जानकारियां दी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और विधानसभा निर्वाचन होना है। और आदर्श आचार संहिता लागू एनसीसी लागू होने के बाद से बहुत सारी चीज़ें पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। गौरतलब है कि शहर में एक तरफ विधानसभा चुनाव के चलते लगे आचार संहिता और त्योहारी सीजन में नवरात्र और दशहरा पर्व में साउंड सिस्टम और राजनीति से जुड़े मुद्दे पर बारीकी से जानकारी दी गई। यहां दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे, किशोर वर्मा नायब तहसीलदार, दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, नगर सेनानी से नागेंद्र कुमार सहित दुर्ग शहर के सभी थानों के प्रभारियों की उपस्थिति में समिति वालों से चर्चा की गई। इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। जैसे कि सभी को पता है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 चालू हो गया है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है और इसी संदर्भ में चूँकि अभी त्यौहार बहुत सारे आ रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार, दशहरा का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो उस संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं धार्मिक रूप से, तो इसी संबंध में बैठक रखी गई है और निर्वाचन आयोग के निर्देश के संबंध में बताया गया है। साथ ही उलाला अधिनियम 1985 के तहत जो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए उनके संबंध में अवगत कराया गया है, ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी ना हो और जो भी धार्मिक आयोजन है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। देखिए, सभी थानों के माध्यम से संबंधित सभी समितियों को दिया गया था, कुछ समितियाँ नहीं आई हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से सभी को सूचित भी किया जा रहा है और आपके माध्यम से भी बाकी लोगों को जो नहीं आए उनको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि सभी समिति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के माध्यम से पहुंच जाएगा, जो नहीं आया उनको भी सूचना मिल जाएगी। क्योंकि हमने अभी सारी चीज़ें बताई हैं और जो भी प्रावधान लागू किए गए हैं, जो नियम लागू किए गए हैं उसके संबंध में हमने बता दिया है, उसका उल्लंघन यदि करते पाया जाता है तो जो कार्रवाई का जो प्रावधान है उसके तहत ही किया जाएगा। नवरात्रि का पर्व आने वाला है और त्यौहार भी आने वाले हैं, इनको देखते हुए अभी आदर्श आचार संहिता लग गया है, इन सबको लेकर दुर्गा पंडाल समितियों का और यहाँ के जो शांति समिति है उसकी बैठक बुलाई गई थी, उसमें धुमाल वाले डीजे वालों को भी शामिल किया गया था। उनको जो आदर्श आचार संहिता है उसके नियम कानूनों से अवगत कराया गया, उनको बताया गया है कि कोई भी कार्य जो है वो नियम से ही करेंगे, जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन आचार संहिता के तहत जारी किए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य रहेगा और कोई भी अगर आप डीजे यूज़ करते हैं या आपको कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसकी प्रॉपर अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। अभी हमने बुलाई थी लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, उनके लिए हम अलग से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। इसके अलावा जब वो अनुमति के लिए पत्र देंगे उसमें हम भी उनको लेटर भिजवाया जाएगा। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि सारे समितियों को एक गाइडलाइन जो जारी होगी प्रशासन से उनकी एक एक कॉपी हम पहुँचा दें, जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनेगी वो सबके जो नियम तोड़ेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन करने समितियों से लोगों को अवगत करा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर समितियां और डीजे संचालकों ने भी अपनी पीड़ा बताई। जो प्रशासन का आदेश है उस हिसाब से तो लगता है हम लोग की रोजी रोटी खतरे में है। रही सवाल दूसरी बात की, धुमाल वालों को या लाइव प्रोग्राम वालों को, मतलब बॉक्स तो वही लगते हैं जो डीजे में लगते हैं, साउंड में लगते हैं, लाइव प्रोग्राम में लगते हैं, इन बातों को कोई समझ नहीं पा रहा है। 10 बजे की गाइडलाइन है, हम भी 10 बजे गाइडलाइन का पालन करना चाहते हैं और करते भी हैं। रहा सवाल परमिशन का, तो एक डीजे शब्द बनाकर पूरे हमारे वातावरण में एक अलग हम लोग का माहौल, डीजे माहौल बना के अलग कर दिया गया। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हम लोग का भी सहयोग करें, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी रोजी रोटी है, हम लोग क्या कर पाएंगे, इसलिए शासन से चाहते हैं कि हम लोग को भी कोई सहयोग मिले। और आप लोग छूट चाहते हैं? हम लोग छूट चाहते हैं कि हमको भी बजाने का परमिशन मिले, 10 बजे तक हम भी बजाएंगे, जैसे धुमाल वालों को मिल रहा है या किसी ऑर्केस्ट्रा वालों को मिल रहा है, अपना कवि अभी कवि सम्मेलन होगा गंजपारा में, उनको भी मिलता है, तो उस प्रकार की छूट हम लोग को ही मिले।
शहर में सभी युवा एकत्रित होकर एक बैठक कर चुके हैं, जिसमें सभी से आग्रह भी किया गया कि सभी लोग पंचमी के दिन ही चुंदरी निकालें। इसलिए आज जो बैठक की गई थी उसमें शासन प्रशासन के सम्मानित SDM साहब, CSP साहब और नगर के सभी थाना अधीक्षकों से और थाना प्रभारियों से निवेदन किया गया है कि शहर में एक दिन पंचमी के दिन जो कि एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इस प्रयास में आप लोग भी सफल रूप से और पूर्ण रूप से सहयोग करें। पंचमी के दिन शहर में निकलने वाली इस यात्रा में अपना भी सहयोग प्रदान करें। हम पूरी तरीके से शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की जनता को, पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और शासन प्रशासन के नियम का कहीं पर भी उल्लंघन ना हो। अभी वर्तमान में चुनाव होना है, जिसके लिए आचार संहिता लगाई गई है। दुर्ग शहर में भी आचार संहिता है। आज सभी दुर्गोत्सव समितियों की बैठक प्रशासन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा पूरे आचार संहिता के जो नियम है और जो शासन की गाइडलाइन है उसको बताया गया है। सभी समितियों ने उसे सुना है और पूर्व में भी शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए पूरे शहर की जनता और पूरे शहर की समितियां उनका सहयोग करते आई है। वर्तमान में भी इस साल हम करेंगे। शहर में बहुत सारे दुर्गा उत्सव है जहाँ बहुत बड़े वृहद रूप में आयोजन होता आता है, क्योंकि ये माता जी का आयोजन है। दुर्ग को माता दुर्गा के नाम से जाना जाता है, इसलिए दुर्गा जी का विशेष महत्व है। शहर में छोटे और बड़े आयोजन होते हैं। किसी प्रकार की विवादित वाली स्थिति पूरे शहर में न कभी आई है और न वर्तमान में भी आएगी। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए, आचार संहिता के बिना उल्लंघन करते हुए सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष हर वर्ष शहर में देखने को मिलता था कि शहर में बहुत सारी चुंदरी निकलती थी अलग अलग डेट में। एक छोटा सा प्रयास शहर के युवाओं द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें सभी चुंदरी समितियों को एक साथ बैठाकर पहले हम लोगों ने बैठक करी और यह प्रयास किया है कि पंचमी के दिन शहर में एकमात्र दिन शहर में चुंदरी यात्रा निकले, ताकि शहर का वातावरण एक पूरा धार्मिक माहौल दिखे। और इस प्रयास में हम सफल भी हुए हैं। शहर के लगभग 90% चुंदरी यात्रा जो निकालते हैं, उन लोगों से हमारी चर्चा हो गई और सभी लोग राजी हैं कि पंचमी के दिन ही एक दिन चुंदरी यात्रा। ग्रैंड सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।